गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज हम आपको जी एक नया जो वाटर प्योरीफायर है इसके बारे में बताने जा रहे हैं, जिसकी हम इंस्टॉलेशन करेंगे। और इस वक्त हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि सबसे पहले ये जो वाटर फिल्टर है ये वहाँ पर लगाया जाएगा जहाँ पर जो प्योर वाटर हमको उसकी लिए जो 15-20% के लिए जो हमको पानी की ज़रूरत जो पड़ती है, ये RO, QF और AAA कार्ट्रेज से लेस होगा। और उसके लिए हमें कौन कौन से मतलब इसको इसमें सामान लगेगा, सबसे पहले हम आपको बता दें, ये एक स्विफ्ट बॉडी है जिसमें अप्रोक्सीमेट 13 लीटर के अराउंड इसमें जो है प्योर वाटर जो इसमें कैपेसिटी होगी। इसमें हम ड्यूल जो है मेम्ब्रेन यूज़ करेंगे। और हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए हम इसमें सबसे पहले ये जो इसमें हम लेक्स प्योर का जो क्लासिक जो 100 GPD का है जो पंप हम यूज़ करेंगे, जो एक हैवी पंप है। और इसके लिए हमने ये जो 1/4 जो है जो पाइपलाइन हम यूज़ करेंगे, इसमें फिटिंग जो है वो सभी 1/4 की है। और ये कुछ क्लम्प्स हैं जो हम मतलब इसमें मतलब टाइम टू टाइम माउंट करेंगे। और इसमें ये देखिए फ्रेंड्स, हम जो है ये एक UF हम मेम्ब्रन यूज़ कर रहे हैं, होलो फाइबर मेम्ब्रन इसमें यूज़ करेंगे। और फ्रेंड्स ये देखिए इसमें जो है लेक्स प्योर का हम प्री कार्बन फिल्टर यूज़ करेंगे। और फ्रेंड्स ये जो है ये जो लेक्स प्योर का इनलाइन फिल्टर है जिसको हम सेडिमेंट फिल्टर भी बोलते हैं, ये यूज़ करेंगे। और फ्रेंड्स ये देखिए इसमें हम जो है जो मतलब इसमें हम मिनरल कार्ट्रेज यूज़ करेंगे जो लेक्स प्योर की, ये भी हैवी ड्यूटी में है। एक हमको जो टैप चाहिए जिसमें हम इसको हम बॉडी पे माउंट करेंगे जिससे हमें प्योर वाटर मिलेगा। एक हमको LPS चाहिए, इसमें अब हमको मतलब यानी कि 4 जो थिम्बल चाहिए जो हम 2 LPS में यूज़ करेंगे, और 2 थिम्बल मतलब ये जो फ्लॉट स्विच है मतलब उसमें यूज़ करेंगे, ये इसके इंसुलेटर हैं। ये नट वोल्ट है मतलब जिसके साथ हम क्लंप और पंप वगैरह को माउंट करेंगे अपनी नीड के अकॉर्डिंगली। ये फ्लॉट वाला है। और हम फ्रेंड्स इसमें जो 450 के 2 जो FR यूज़ करेंगे, 2 हमको इसमें जो ये जो टेप चाहिए टेफ्लॉन टेप। और फ्रेंड्स ये देखिए हम इसमें 2 मेम्बर हाउसिंग यूज़ कर रहे हैं लेक्स प्योर के, जो कि बहुत एक हैवी मतलब प्लास्टिक के बने होते हैं। और फ्रेंड्स ये देखिए हम इसमें लेक्स प्योर की जो 80 जो GPD की जो है वो जो ड्यूल मेम्ब्रेन यूज़ करेंगे। और ये जो है स्पन वाउल हम यूज़ करेंगे जो बाहर में मतलब डस्ट वगैरह पार्टिकल रोकने के यूज़ आएगा। और स्पन फिल्टर यूज़ करेंगे, हमें कुछ टाइस चाहिए। और फ्रेंड्स ये जो हमारा TDS कंट्रोलर इसमें यूज़ करेंगे। और इसमें फिटिंग के लिए फ्रेंड्स ये देखिए 2 हमको बर्गर हेड चाहिए जो हम बॉडी पे माउंट करेंगे जो इनलाइन और आउटलेट के लिए होंगे। और फ्रेंड्स ये देखिए एक हमने ये SV लिया है 24 वोल्टेज का है, और SMPS हमने मतलब ये देखिए जो 2.5 ampere का है 24 वोल्टेज का जी हम यूज़ करेंगे। और हमको वायर चाहिए और ये जो पाइप लॉक चाहिए। और इसमें हम ये देखिए ये जो 1/4 की मतलब यानी कि इतनी टीज ली हैं 6, ये टीज यूज़ करेंगे। और ये जो 1/4 के मतलब यानी कि जो पुश एल्बो मतलब है वो यूज़ करेंगे, जो हमारे जो जितने भी ये जो UF मेम्ब्रेन है जो मिनरल कार्ट्रिज वगैरह जो हम इसमें यूज़ करेंगे उसमें यूज़ होंगे। और ये जो 4 हैं मतलब ये जो मेम्ब्रेन हाउसिंग के रिजेक्ट वाटर और प्योर वाटर के लिए यूज़ होंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स इसमें 2 SV में ये जो यूज़ हो जाएंगी, और 2 जो है इनलाइन मेम्ब्रेन हाउसिंग में यूज़ हो जाएगी। ये 2 है ये मतलब इनलाइन और आउटलाइन जो बूस्टर पंप में हम यूज़ करेंगे, 2 हमारे पास एक्स्ट्रा हैं। सो फ्रेंड्स इस सामान की हमको ज़रूरत पड़ेगी। और फ्रेंड्स अब हम इसको मतलब बिना टाइम वेस्ट किए इसको इंस्टॉल करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहते थे कि ये जो अगर हमने डोमेस्टिक में हैवी पर्पस जो है मतलब जो हमने बनाना है जो वाटर प्योरीफायर RO, मतलब इसकी कैपेसिटी ये जो अराउंड है 15-20 मिनट के अराउंड इसको फुल जो है भर जाना चाहिए। और धन्यवाद फ्रेंड्स।
थैंक यू।